हमारे आत्मविश्वासी मुखर नए भारत के कहानीकार, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का मंच प्रदान करने के लिए, इस विजन को सामने लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल आरजे रौनक, जो अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, तो मैं उनसे बहुआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, से नमस्ते सर, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित बयानपुरिया। अंकित बयानपुरिया कहाँ? अंकित साई राम है। वाह, बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए। आप तो चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना। आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायरा दुनिया में ढाई सुख है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माजा है और बच्चा और सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी काया तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने ती काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनाइए कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर, एंड बस एक चीज बोलनी थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है, एंड इट्स अ बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। एंड नाउ द मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड। दिस अवार्ड गोज टू लक्ष्य डबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए प्रदंत सर। मैं मृणाल डबास, हम जैविक किसान हैं। देश की जरूरत जरूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की जरूरत जैविक खेती की है। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। एंड नाउ द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर। इस अवार्ड में तीन लोगों के नाम हैं, किली पॉल फ्रॉम तंजानिया एंड कैसेंड्रा मेस पिटमैन द जर्मन सिंगर, एंड वी हैव वन मोर अवार्ड विनर इन दिस बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर कैटेगरी, एंड ही इज ड्रू हिक्स। तो आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं। यहां लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे।
मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। एंड नाउ लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी, और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। गौरव चौधरी, चलिए अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएट किया, उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलांबे। मल्हार कलांबे, मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं, आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू। अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीनअप किया था, ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीनअप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की आखिरी श्रेणी, बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। अमन गुप्ता, अमन बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। सर, आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर, 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोर्ड तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, यू नो, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024, 7 साल बाद सर, वी आर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए, और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते हैं फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।